हरि सिंह जी चौधरी साहब से निवेदन है कि सर पधारें और आज के इस बहुत ही खूबसूरत और सुनहरी शाम के इस कार्यक्रम में, जो शिक्षा के इस प्रांगण में है, संस्कार भी है, सफलताएं भी है, सुरक्षा भी है, और उन सब के बीच में एक बड़ा विजन है, तो मैं चाहूँगा कि संस्था का विजन डॉक्यूमेंट हमारे अभिभावकों के समक्ष वो रखें। संस्था के निदेशक सम्मानित श्री हरि सिंह जी चौधरी, ऑनरेबल डायरेक्टर क्विंस अकेडमी। परम सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान लोकेश कुमार सिंह साहब, महाकवि एवं महासाहित्यिक, श्रेष्ठ विशिष्ट एवं अति विशिष्ट मेहमानों का मैं हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि क्विंस अकेडमी स्कूल अपना 22वां वार्षिक महोत्सव बड़े उल्लास और हर्ष के साथ में मना रहा है। क्विंस अकेडमी ने ऊंचाइयां छुई हैं। 2017-18 में अनिश बैरवा ने 10वीं कक्षा में 93.17% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। 2021-22 में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अंजलि चौहान एवं ने 93% और टीना डेटवानी ने 94% अंक प्राप्त कर अपना नाम रोशन किया है। 2021-22 में कक्षा 10वीं की छात्रा अवंतिका ने 95% अंक प्राप्त कर पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा है, तथा पिछले वर्ष 2021-22 में 12वीं कक्षा की आर्ट्स की छात्रा प्रियंका देवनानी ने 93% प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया है। क्विंस एकेडमी स्कूल में समय समय पर क्रीड़ा प्रतियोगिताएं, कल्चर प्रोग्राम, क्रिकेट प्रतियोगिता, दांडिया आदि प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। क्रिकेट में भी इस एकेडमी के बच्चों ने एक बड़ा स्कोर बनाया है। क्रिकेट में दिलखुश महावर ने राजस्थान में पिछले एक वर्ष में सबसे ज़्यादा रन 4,500 बनाकर एवं तनिका शर्मा ने भी राजस्थान में पिछले एक वर्ष में सबसे ज़्यादा रन 3,560 रन बनाकर क्रिकेट के क्षेत्र में एक एकेडमी का नाम रोशन किया है। आरटी के तहत प्रथम कक्षा में नए प्रवेश पर 25% बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में आरटी के तहत इस विद्यालय में 62 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। 2023-24 में विद्यालय में 12वीं कक्षा तक कला, वाणिज्य एवं विज्ञान तीनों विषयों का संचालन हो जाएगा। आगे भी मैं समस्त अभिभावकों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे यहां पर सुरक्षित हैं, तथा उनका भविष्य उज्जवल बनाने का हमारा भरसक प्रयास रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी आगंतुक महानुभावों का पुनः आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।